अपने पास जॉब आ गई लिथुआनिया के लिए, तो वीडियो को आप पूरा देखना, हमने ओपन करके रखा है। और यहाँ पर जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं सारी की सारी यहाँ पर रजिस्टर्ड है, जितने भी इंप्लॉयर हैं या फिर इंप्लॉई हैं सब लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप भी यहाँ पर लॉग इन एक बार कर लेना। यहाँ पर आप लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पर बड़ी बड़ी जॉब मिलने वाले हैं, चाहे आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना हो, चाहे आप एक बहुत बड़े इंजीनियर है, चाहे सिविल इंजीनियर हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चाहे आपको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करते हो, कोई भी कैटेगरी में आप बड़े लेवल पर अगर आपने काम करा है और उसमें आपका एक्सपीरियंस है तो आप इन सारे जॉब को अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बस डिग्री आपने ले लिया है और नॉलेज कुछ नहीं है तो भाई ये जॉब आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है टाइल्स में, मैशन में, सेल्स में, मैनेजर में, और आपका कुक में, आपका क्लीनिंग में, आपका जो है वेयर हाउस में काम करना है, जो भी काम करना है उसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास बेसिक इंग्लिश आती है तो लिथुआनिया में भी के लिए बहुत सारी जॉब आ गई है और आप उन सारी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। और जॉब मिलने के बाद आप जो है जा सकते हैं लिथुआनिया वर्क वीज़ा अप्लाई करने के बाद। वर्क वीज़ा भी आपको ईजिली मिल जाएगा विद इन 7 to 15 days के अंदर अंदर, क्योंकि वर्क वीजा यहाँ का बहुत ही जल्दी लोगों को मिल जा रहा है, क्योंकि जब आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा कंपनी से जॉब लग जाएगी तो उसके बाद आपको सिंपली जो लिथुआनिया के एम्बेसी इंडिया में वहाँ का अपॉइंटमेंट लेना और वहाँ जाकर आपको सारे डॉक्यूमेंट देने और आपको वर्क वीजा का प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो वर्क वीजा तो ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे जो बड़ी मुश्किल होती है वो जॉब फाइंड करना होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से जॉब मिलेगा और कैसे आप जो है जॉब को अप्लाई करेंगे। वेबसाइट के ऊपर हम आ चुके हैं जिसका नाम है jobs.workinlithuania.com। आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, पोर्टल के ऊपर आ जाना है, यहाँ पर 100% आपको जॉब मिलेगी। फिलहाल 93 ओपन पोजीशन है जहाँ पर जॉब के लिए अवेलेबल है, तो ब्राउज जॉब चांस आप कर सकते हो। और ब्राउज जॉब जैसे आप करोगे तो यहाँ से इंडस्ट्रियल डिजाइनर की आवश्यकता है, डेटा एनालिटिक्स इन ट्रेड सर्विलियंस ऑपरेशन में आवश्यकता है। और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी है यहाँ पर यूरो में सैलरी लिखा हुआ है 2400 से 2800 यूरो, 2800 से 4000 यूरो। तो एक बार हम यहाँ से सैलरी देख लेते हैं, 2400 यूरो का मतलब कितना होता है। यूरो टू INR हम करते हैं, यूरो टू INR, और 2400 यूरो का हम यहाँ पर चेक करें, अगर एक मिनट बहुत ज्यादा हो गया, 2400 का मतलब 214000। तो मैंने पहले ही बताया था कि 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपए इजी है, आम सी बात है, आप यहाँ से आराम से इजीली कमा लोगे। तो यहाँ पर नॉलेज क्या होना चाहिए, जूनियर स्पेशलिस्ट में लिनक्स डेटा एनालिटिक्स की आवश्यकता है। और यहाँ पर देखो इंडस्ट्रियल डिजाइनर में स्पेशलिस्ट चाहिए, एडोब क्रिएटिव सूट्स का नॉलेज हो, सॉलिड वर्क हो उसके पास। और नीचे आ जाओ जॉब में ऐसे देख सकते हो तो ऑफिस मैनेजर की आवश्यकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर जावा ब्रांच में आवश्यकता है। और यहाँ पर बिजनेस एनालिटिक्स की जरूरत है, QA इंजीनियर की आवश्यकता है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, C++ लिनक्स वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। उसको 3500 से 6000 यूरो की जो है सैलरी मिलने वाली है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत है, C++ और फायर ग्राउंड की रिपोर्ट होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ऐसे आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो कैटेगरी अगर आपको डिसाइड करना है तो कैटेगरी की यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट देखो, यहाँ से ये सारे यहाँ पर डिटेल लिखे हुए, लोकेशन है, कॉन्टैक्ट टाइप है, किस टाइप का जॉब चाहिए, फुल टाइम तो फुल टाइम में भी जा सकते हो, रिमोट जॉब 5 यहाँ पर, ये सारी जॉब की कैटेगरी। रिमोट में जॉब में अगर जाओगे तो यहाँ पर 5 जॉब है जो घर बैठे बैठे आप कर सकते हो, जो कि IT फील्ड वालों के लिए ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं और ऊपर जाकर हम चेक करते हैं जॉब की कैटेगरी कितनी है। अकाउंटिंग फाइनेंशियल में, एनालिटिक्स में, एविएशन इंजीनियर कंसल्टिंग सर्विस रिसर्च में, नीचे आ जाओ एजुकेशन ट्रेनिंग इंजीनियर ग्राफिक डिजाइन ह्यूमन रिसोर्स, और नीचे आ जाओ तो यहाँ पर मैनेजमेंट मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन, यहाँ पर अलग अलग टाइप में जॉब की आवश्यकता है। सेल्स में भी जरूरत है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इतनी सारी कैटेगरी है जहाँ पर जॉब आप जो है जाकर कर सकते हैं। और एक और मैं पोर्टल का नाम बताऊंगा, आप वहाँ पर भी जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, जो कि जहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन और सारी जॉब यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसका नाम है रेडियस, यहाँ पर Redytus.lt के ऊपर आके बाद इंग्लिश में आप आ जाओ, इंग्लिश मतलब ट्रांसलेट कर लेना आप इसे। और यहाँ पर देख सकते हो ऑल स्टाफ डिसीजन रिक्रूटमेंट लिथुआनिया एंड अब्रॉड, यहाँ पर इंप्लॉयज दिया है और फॉर इंप्लॉयर, ठीक है, फॉर एम्प्लॉयर में वो लोग जाएंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियां HR हैं वो लोग यहाँ जाते हैं। आपको नौकरी चाहिए तो इंप्लॉयज में आपको आना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब एड्स के ऊपर आ जाना है, जॉब एड के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको ट्रांसलेट में इस पेज को कर देता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो कि अलग अलग पोर्टल की जॉब यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ से आप जो है IT कंप्यूटर हो गया, ये आपका स्टोरेज हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड टीम हो गया, ये ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर वगैरह में हो गया, एजुकेशन हो गया, मैकेनिकल में, मेडिकल स्टाफ अनक्वालिफाइड में, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो भी इसमें जा सकते हैं। और एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी काम का जो रहता है, कैटरिंग का रहता है, होटल्स लाइन में, फूड प्रोडक्शन में हो गया, ऐसे आप अलग अलग जॉब यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ सर्च करके यहाँ से जॉब आपको मिलेगा, उसके बाद आपको जो है यहाँ से अप्लाई कर लेना। और यहाँ पर इनकी ईमेल आईडी भी है, यहाँ पर भी आप अपना CV और कवर लेटर भेज सकते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको 2 जगह ऐसे बता दिए जहाँ से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिले किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।